एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? जो फ्रेंड्स, आज है 28 जून, तो अभी मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो आज एडिट होंगे तो कल जाएंगे, ऐसे करके बहुत मतलब रीसेंट ब्लॉग ही आएंगे। और कल था मेरे पोकू का बर्थडे, मेरे कृष्णा का बर्थडे। सो पहले उसका नाम तक्ष था, लेकिन हमने अभी कृष्णा कर दिया है। ये होता है ना, वो देखो न्यूमरोलॉजी वगैरह के हिसाब से, तो उस हिसाब से करा है, किसी से कंसल्ट नहीं किया है, लेकिन खुद से ही किया है। और होपफुली भगवान का नाम है तो उसको ब्लेसिंग तो मिलेगी ही। और अभी मैं जा रही हूँ पोहा बनाने। कैसा नाम है कृष्णा बताना मुझे? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा कन्हैया बिल्कुल कृष्णा जैसा ही है, चुलबुला और मस्ती खोर एक नंबर का। सो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, और ना मैंने बेल्ट बांध रखी है, कल रात भी मैंने बांधी थी कुर्ती के नीचे, मतलब नीचे से बांधी थी, लेकिन जब गाउन वगैरह पहनती हूँ तो मैं ऊपर से ही बांध लेती हूँ, क्योंकि खाते पीते टाइम तो उतारनी होती है, तो वही चीज़ होती है। और मेरा कृष्णा, कैसा लगा तुम्हारा बर्थडे? तुम क्या कर रहे हो, गंदी बात। सबको थैंक यू तो बोल दो, सबने आपको बहुत सारी विशेस दी हैं। जय श्री कृष्णा करो, सही से करो, हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे बोलते हैं जय श्री राम? करो करो, बच्चा। तो चलो मैं बना लेती हूँ अपना पोहा, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो हमारा पोहा बनके तैयार हो गया था, और देखने में कितना यम लग रहा है ना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरीके से मैं बहुत सिंपल तरीके से अपना पोहा बनाती हूँ। यहाँ पे मैं तक्ष को खिला रही थी, लेकिन पता नहीं इस लड़के का क्या है, मुझे समझ नहीं आता। दो बाइट खाने के बाद तीसरे बाइट में यह इस तरीके से ही करने लगता है। मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि बिहान भी तो ऐसे ही करता था, मम्मी भी शायद टाइम के साथ ये भी ठीक हो जाए। 5 साल तक तो बिहान ने भी मुझे बहुत परेशान किया था। यहाँ पे मैं अपनी बेल्ट लगा रही थी, तो बेल्ट लगा एकदम से उठ के खड़े हो तो थोड़ा सा पेन होता है। सो पूरे घर में मॉइस्चर हो रहा है, देखो मम्मी। हाँ कौन? हाँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भगवान के लिए मुझे, छोड़ दो भगवान के लिए मुझे, छोड़ दो मुझे, ना सताओ मम्मी। चलो ना काम
कैसे? तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार रही थी जो कपड़े सूख गए थे, और उनको फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पे तक्ष बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। ही वॉन्ट्स कि मैं मतलब ये खेल रहा हूँ और मैं वहीं बैठी रहूँ, मैं कहीं कुछ करने ना जाऊँ। तो वही मुझे कह रहा था चलो मम्मा चलो करके। तो बस इस तरीके से है। मैंने आप सभी को दिखाया ना, आंटी अभी पोछा लगा के गई थी और पूरा घर इसी तरीके से गीला गीला हो रहा था। एक तो वो गीला पोछा लगा के गई थी, ऊपर से क्या कहते हैं मॉइस्चर भी थोड़ा सा था। तो होता है ना कि ड्राई पोछा लगा दो तो मतलब इतना ज़्यादा जल्दी इतना गीला नहीं रहता है। तो 2-2.5 घंटा लगा था ये सूखने में। सो वही सब चीज़ें हैं, बोलती हूँ लेकिन वो सुनती नहीं है। हेलो एवरीवन, तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े जो भी थे वो सारे फोल्ड करके रख दिए हैं। और मैं आप सबको बता रही हूँ ना, पूरे घर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर मॉइस्चर हो रहा है पूरे में। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बस गीला गीला पोता मारा है उस हिसाब से। और आंटी ना मतलब अभी एक तो मॉइस्चर है उसकी वजह से भी, और दूसरा क्या कहते हैं आंटी भी मालूम है तकलीफ, इतना ख़राब काम करके जा रही है ना, मतलब हद होती है यार। पूरे में बाल और गंदगी पड़ी ही रहती है, अच्छे से पोछा भी नहीं लगाती है, कुछ कहते भी नहीं बनता, कुछ कहो तो क्या कहते हैं मतलब ऐसे इग्नोर कर जाती हैं कि जैसे मतलब उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं तो, मतलब होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं निकली भी नहीं जाती और उगली भी नहीं जाती, वो वाला सीन है। अभी ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहो तो वो मतलब सरासर इग्नोर कर जाती हैं। नहीं मैं अभी ये कर रही थी, अगर आप उस एट द टाइम बोलो तो क्या कहते बोलती हैं कि अरे नहीं मैं अभी करने वाली थी, ऐसे करती तो अभी सारा कचरा जाए। फिर अगर बाद में बोलो तो कोई बात बच्चों ने कर दिया होगा, ऐसे करके मतलब कर देती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है ये चीज़ में। सो एक और अभी न्यूज़ मिला, अगर आप लोगों ने भी अगर इंस्टाग्राम पे देखा हो तो, हिना खान का उन्होंने अपडेट किया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो भी 3rd स्टेज में। सो मतलब ये पोस्ट पढ़ के मैं सच में शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि इंसान हंसता खेलता मतलब वीडियोस बनाता है, इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर मतलब जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं उन लोगों का पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाए। और मतलब अभी तक तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था वो मैंने पढ़ा था, मतलब सुना था पूरा, पॉडकास्ट काइंड ऑफ ही किया था उन्होंने। सो मतलब इंसान का पता नहीं चलता कब कौन सी बीमारी आकर दस्तक दे दे ज़िंदगी में और कब क्या हो जाए। अभी तो क्या कहते हैं मतलब उनकी कोई मूवी वगैरह भी आई है पंजाबी में। सो मतलब शॉकिंग था, जितने भी व्यूअर्स ने देखा होगा उनके सबके लिए ही शॉकिंग होगा। और ज़िंदगी का सच में कोई भरोसा नहीं है, हम ना नुक्स निकालते रह जाते हैं, हम ये देखते रह जाते हैं किसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया, ये ऐसा है वो वैसा है, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि लाइफ कितनी छोटी सी है, उसको अच्छे से जियो, पॉजिटिविटी के साथ जियो, क्यों ही नेगेटिविटी फैलाना, क्यों ही ये सब किसी को ट्रोल करना। इतना मतलब कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह भी चल रहा है, लाइफ मतलब जो लोगों की लाइफ में है ना उसको लोग इंजॉय नहीं करना है लेकिन बस शो ऑफ करना है एक, तो दूसरी चीज़ है कि दूसरों को ट्रोल जरूर करना है कि दूसरों की लाइफ बेटर ना हो सके। तो अभी काफ़ी सारी मिस हैपनिंग आप लोगों ने भी देखी ही होंगी, यूट्यूब पर भी चल रही है, कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है। पहले तो सब मिलकर इतना अच्छा कि अरे हमसे ज़्यादा अच्छी तो बॉन्डिंग किसी की नहीं है, हम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे रहते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स वैसे रहते हैं, फिर जब क्या कहते हैं रियल फेसेस आते हैं तो ऐसे आते हैं। सो जब इन लोगों के फंक्शंस में एक दूसरे के में ले लोग गए थे तो ये तो पता था कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या हुआ है। सो बहुत सारी मतलब अब खुल खुल के ये चीज़ें आ रही हैं।
सो मैं देखो किसी के लिए कमेंट करना नहीं चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि क्यों ही किसी के लिए कमेंट करना, सबका अपना कर्मा है, सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन हिना खान के लिए ये सुनकर मेरे को बहुत खराब। तो फ्रेंड्स मैं तो बस यही मतलब सुनकर ना एकदम से शॉक तो थोड़ा सा हो गए थे कि मतलब कि ऐसे कैसे एकदम से थर्ड स्टेज में वो भी डिडक्ट हुआ उनका। सो और ये लोग तो कितना अपनी बॉडी का और इतना सब कुछ ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद ऐसा होना मतलब बहुत शॉकिंग था। खैर हम तो बस यही प्रे करेंगे कि भगवान जल्दी से वो ठीक हो जाए और उनका जो भी कैंसर है वो जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो भी है बस जल्दी से क्योर हो जाए और जल्दी से वो अपनी फील्ड में वापस आएँ बस। और क्या, लाइफ बहुत छोटी है यार, बहुत अच्छे से इंजॉय करो। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स के साथ अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो अपने बड़ों के साथ, क्योंकि जिनके साथ बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता है ना वो ही समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। सो यही था बस, लाइफ के बारे में सोच कर ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ इन सब चीज़ों को सुनकर। खैर क्या कर सकते हैं, जब जो होना है वो तो होना ही है, उस चीज़ से डील करना ही पड़ता है। और ये मैंने एक्सेप्ट तब से किया जब से मेरे को इतनी बार ये तक्ष के बाद मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं ऊटी में जाऊंगी, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद दो साल बाद फिर से जाना पड़ा, फिर दो साल बाद फिर से जाना पड़ा। अब लेकिन मैं भगवान जी से यही प्रे करती हूँ बस जितनी भी लाइफ है बस हंसी खुशी निकल जाए। अब ये मेरे पूरे परिवार को लेकर कभी भी ये हॉस्पिटलों के चक्कर वगैरह ना काटने पड़े, इसीलिए मैं कहती हूँ छोटा मोटा बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत अच्छा है आपकी फैमिली में ये लगा रहता है अगर महीने में एक बार दो बार कि बुखार हो गया ये हो गया, बहुत अच्छा है। भगवान करे ये हो तो भी चलेगा, लेकिन बस ये है ना बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, बस छोटे छोटे में ही इंसान को वो हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे को ना ये सर्दी जुखाम बुखार बहुत रेयर होता है, लेकिन जो ये इतने बड़े बड़े झटके लगते हैं ना वो तो मतलब पता नहीं, भगवान जी ने शायद बहुत साथ दिया है इस चीज़ में कि मैं इतनी अच्छे से ये सब करवा पाए, वरना तो पता नहीं क्या ही होता। सो भगवान शायद जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस भगवान जी से यही प्रे है किसी के घर में इतनी बड़ी बीमारी ना भेजे, कितना प्रॉब्लम्स ना भेजे। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि काजल लगा के रहा करो, मुझे बिना काजल के आके अच्छी नहीं लगती, तो आज सुबह सुबह नहा धोकर सबसे पहले काजल और लिप बाम लगाया था कि ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।